बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप 10th का डमनी एडमिट कार्ड जो जारी हुआ है उसे डाउनलोड कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि 10th और 12th का दोनों का जारी हो चुका है। अगर आपका डमनी एडमिट कार्ड में अगर कोई भी गलती हो गया है या फिर कोई भी सुधार करवाना है तो आप अभी डाउनलोड करके अपने स्कूल में जाएंगे और वहां पे आपको सुधार का ऑप्शन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसे डाउनलोड करेंगे इस बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में या फिर आप पीसी पे कर रहे हैं तो पीसी पे आप हमें फॉलो करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बिहार बोर्ड 10th का मैं बता रहा हूं कि डमनी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो भी मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा जो कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं biharboard.online, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक पे जाएंगे, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके या इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे। फ्रेंड्स जैसे ही आप इस वेबसाइट पर चले आइएगा, अगर आप फ़ोन में खोल रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 डॉट आएगा, आप मेरे माउस के कॉर्नर को देख पाइएगा कि यहाँ पे 3 डॉट आएगा और वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से 3 गो ऑप्शन आएंगे, होम, टीचर, उसके बाद डाउनलोड रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, उसके उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस व्यू प्रिंट डमनी एडमिट रजिस्ट्रेशन कार्ड 2020 फॉर एग्जाम 2021, फ्रेंड्स इस पर हम क्लिक कर लेंगे। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली करना क्या है, अपना स्कूल का कोड डाल देना है। जैसे कि आपका स्कूल का कोड जो भी है, मैं अपना एक स्टूडेंट का मैं अपना स्कूल का कोड डालता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप स्कूल का कोड डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम पूछ रहा है तो फ्रेंड्स कैंडिडेट नेम आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है तो फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ डालना है तो यहाँ पे जो स्लैश दिया गया है फ्रेंड्स आपको स्लैश दाबने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को टाइप करें, ठीक है फ्रेंड्स, स्लैश ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और यहाँ पे तीनों जगह फिल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया, प्लीज़ एंटर दोर वायलेट कैंडिडेट, ठीक है फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से कुछ समस्या है। अब डालेंगे सही से ध्यान से, जो भी है गलती डाला गया था फ्रेंड्स सॉरी। अब यहाँ पे नाम डाल देते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप अपने सही सही फिल कर लीजिएगा उस डेट ऑफ बर्थ और वहाँ पे जो नाम पूछ रहा है और स्कूल कोड पूछ रहा है तो आपके सामने आपका जो डमनी एडमिट कार्ड है वो खुलकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नाम और मदर्स नेम और फादर्स नेम और जन्म तिथि ये सब जो भी है आपके सामने आ जाएगा, आपका जो भी फिल हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर आप दुकानदार हैं तो आप प्रिंट करके यहाँ से किसी कस्टमर को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप जो भी स्टूडेंट है उनको बता दीजिएगा कि अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो वो स्कूल में जाकर और सुधरवा सकते हैं, ये नहीं है कि अब नहीं सुधरेगा फ्रेंड्स, अभी 30 तक डेट है उस इसको निकालकर आप जाकर सुधरवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब बताऊंगा कि 12th का कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डमनी एडमिट कार्ड। तो फ्रेंड्स जो मेरे लिंक के नीचे जाइएगा तो वहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पे आप जाइएगा आपको सेम उसी प्रकार से 10th का जो लिंक होगा उसके ठीक नीचे आपको 12th का भी लिंक दिया गया होगा, तो आप उस लिंक पर सिंपली क्लिक कीजिएगा तो आपको रीडायरेक्ट करके यहाँ पर इस साइट पर लेके चला आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको कॉलेज का नेम चूज कर लेना है, आपका जो भी कॉलेज है उसका नेम चूज कर लेना और यहाँ से फैकल्टी आ रहा है तो आपको फैकल्टी में आपका जो भी है कॉमर्स है साइंस है उसके बाद आर्ट्स है जो भी है
आपका सब्जेक्ट उसको चूज कर लेना है। जैसे ही उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम को फिल कर देना है फ्रेंड्स, आपको जो भी है आपका नाम वो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम का फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी ये कैलेंडर वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका वो अपना फिल कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप फिल करेंगे, अभी मैं आपको ये फिल करके डाउनलोड करके नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास किसी भी स्टूडेंट का ये रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ और स्कूल का कोड वगैरह नहीं है, इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं करके बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये भी ये सारा जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे जो भी वो आपके सामने होगा तो आप सिंपली इस पर व्यू पर क्लिक करेंगे, सब कुछ डालकर व्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो भी ये जो टेंथ का जो एडमिट कार्ड डमनी एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है उसी प्रकार से आपका ट्वेल्थ का भी डमनी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आज को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे बेल आइकन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं, जय हिंद।